Shubham, I welcome you to this program, Success Speaks, with a lot of congratulations to you and your family for grand success. Thank you, sir. Thank you for inviting me, sir. आपने All India में 366 ranks प्राप्त किया है Civil Service Exams in 2019 में, and you have been allocated Indian Administrative Service, that is IAS. So really, once again, congratulations to you, right? Thank you. Shubham, रहने वाले कहाँ से हैं? थोड़ा अपना background बताइए कि what is your family background, which place you belong to. Sir, I'm a native of Jammu and Kashmir. I come from a small town in Jammu called Bishna. Okay. And मेरी जो schooling है वो भी ज़्यादा Jammu में ही हुई है. 10th और 12th class भी Jammu में हुआ है. उसके बाद I did a BTech in electrical engineering from IIT Delhi. 2018 में मैं pass out हुआ. And उसी में मेरा campus placement हो गया college में ही, और मैंने Indian Oil join कर लिया. एक officer, operations officer मैंने join किया Indian Oil. यहीं पे फरीदाबाद में. ओके. मैंने अपनी प्रिपरेशन भी जॉब के दौरान ही की है, और 2018 का अटेम्प्ट दिया था, उसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया. हालांकि वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, बट 2019 का मैंने अटेम्प्ट दिया और उसमें मेरे को सक्सेस मिला. सो बेसिकली इट इज योर सेकंड अटेम्प्ट. पहले अटेम्प्ट में आपने अपने एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट या ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी आपने दे दिया, और सेकंड अटेम्प्ट जो आपने फिर सीरियसली लिया, राइट? जी. एक्चुअली मैं पिताजी चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज करूं. पिताजी का खुद का सपना था और वो पूरा नहीं कर पाए थे, तो ही वाज वेरी कीन कि मैं एग्जाम दूं. बट मैं इतना ज्यादा कमिटेड नहीं था. मेरे भी मन में था कि मैं करूंगा, बट आई थॉट कि मे बी थोड़ा सा और अभी आगे पढ़ लेता मैं. तो पापा ने फोर्थ ईयर में मेरा फॉर्म भर दिया था, तो उनकी खुशी के लिए मैं एग्जाम दे भी आया. उन्होंने कहा देर नहीं करते, 2018 में ही फॉर्म भर दिया जब आप ग्रेजुएशन करिए. मैं एलिजिबल हुआ, क्योंकि पिछले साल मैं एलिजिबल नहीं था. अभी मैं 23 साल का हूँ, तो जैसे ही मैं एलिजिबल हुआ तो उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया. हाँ, फादर क्या करते हैं और क्या वो उन्होंने और एग्जाम क्या उन्होंने भी दिया था कभी सिविल सर्विसेज का? जी, पापा मेरे बैंक मैनेजर हैं जम्मू कश्मीर बैंक में. और हाँ, पिताजी बताते हैं कि उनके टाइम पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे उनके पास, तो उनकी बहुत दिली तमन्ना थी कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करें. बट फाइनेंशियल रीजन के कारण और थोड़ा बेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण पिताजी का नहीं हो पाया था. तो पिताजी मुझे बताते हैं कि उन्होंने अपना सपना, सिविल सर्विसेज का सपना, उसी दिन त्यागा था जिस दिन मेरा जन्म हुआ था. ओके. वो चाहते थे कि मैं करूँ, एंड आई थिंक मम्मी भी चाहती थी कि मैं करूँ. तो आई थिंक फैमिली ऑलवेज वॉन्टेड मी टू डू इट. तो इसका मतलब है जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन से आपके बारे में उनकी कल्पना शुरू होगी कि ये जो मेरा पूरा नहीं हुआ वो पूरा करेंगे, राइट? तो क्या ये वो आपने कहा बैंक में ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, किस बैंक में हैं? जम्मू कश्मीर बैंक में, जेएनके बैंक, जो जम्मू कश्मीर में जो स्टेट बैंक. आपने ये भी कहा कि फॉर्म आपका 2018 में जब तैयार भी नहीं थे, अब फॉर्म उन्होंने भर दिया क्या अपीयर हो, जिसके कारण से प्री नहीं हो पाया, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट आपने सीरियसली लिया. नाउ यू आर आईएएस. तो अब आप जिस तरह से बात करें, फैमिली में और कौन कौन है? मदर भी क्या कोई सर्विस में है, या सिबलिंग्स कौन है? नहीं, मेरी मामा गृहिणी है, और मेरी एक सिस्टर भी है, उनकी शादी हो चुकी है. वो अभी गायनोकोलॉजिस्ट है, गायनोकोलॉजी की पढ़ाई कर रही है अपने. वो तो तीन ही लोग हैं, हम चार लोग हैं. तो क्या फैमिली में कोई क्लोज रिलेशन में कोई पहले आईएएस है आपके फैमिली में या आईपीएस में है? नहीं जी, नहीं, मैं अपने फैमिली में फर्स्ट. यू हैव बिकम अ ट्रेंड सेटर नाउ इन योर फैमिली, राइट? दैट इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल. तो आप ये शुभम, आपने कहा कि आपके मन में था भी नहीं कि अभी तुरंत देना है, एग्जाम देना है. तो क्या बचपन से आपके जो फादर हैं वो लगातार इस सीट को आपके अंदर दिमाग में डाल रहे थे कि आपको आईएएस बनना है, और फिर भी कह रहे कि मैं रेडी नहीं था? तो ये सिलसिला डिस्कशन कब से शुरू हुआ फैमिली में? जी, मुझे मेरी मम्मी बता दें कि उन्होंने मेरी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी रख रखी हैं, जहाँ पे मेरे से जब कोई पूछता था कि आप क्या करना चाहते हो, तो मेरे को यही याद करवाया गया था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ. तो सीड तो स्टार्टिंग से प्लांटेड था, एंड मैं पढ़ाई में भी मतलब अच्छा था, और पिताजी भी इस तरह से ही पढ़ाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्होंने तैयारी तो कर रखी थी, वो क्रैक नहीं कर पाए थे, बट तैयारी कर रखी थी, तो वो भी मुझे उस तरफ पुश करते थे. जैसे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू ला के दे देते थे, मुझे कहते थे न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, मेरे साथ डिस्कशंस करने की कोशिश करते थे. डिबेटिंग में मुझे वो चाहते थे मैं डिबेटिंग करूँ, तो मैं स्टार्टिंग से डिबेटिंग में भी काफी वो रहा.
तो पिताजी का बहुत ज्यादा और मम्मा का भी, दोनों का ही बहुत ज्यादा फोकस था कि मैं उस तरफ बोल रहा हूँ, और मैं कमिटेड भी था उसकी तरफ, बट मेरे को लगता था कि शायद मुझे अभी थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा और आगे जाके शायद मैं कर पाऊंगा. पर मम्मी पापा का आई थिंक बहुत फेथ था मेरे में कि मैं इसको कर लूंगा, कि हो ही जाएगा सिलेक्शन, तो उसको जल्दी देना चाहिए एग्जाम. जी राइट. तो आप एक ऑलरेडी चूंकि इंजीनियर हैं, इंडियन ऑयल्स में प्लेसमेंट भी हो गई थी, ठीक है ना, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में आप ये भी आया होगा कि भाई आप ऑलरेडी अच्छा पैकेज शुरू हो गया, ग्रोथ है, तो उसमें कोई माइंड शिफ्ट नहीं हुआ, नहीं फिर भी फादर बोले कि नहीं आईएएस में ही जाना है. राइट जी. आई थिंक मैं कहूंगा कि इंडियन ऑयल जाने के बाद ही मेरा पूरा मन सिविल सर्विसेज की तरफ बना, क्योंकि इंडियन ऑयल इज अ वेरी गुड कंपनी टू वर्क फॉर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट आई थिंक मैंने वहां पे एक दो महीने में ही समझ लिया कि आई विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑयल सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर. एंड जब मेरे को फिर मैं कोरा या बाकी सब जगहों पे भी देखने लगा कि the kind of job profile, the job prospects which civil services offers, and itni choti si age mein, itni starting of the career mein jo aapko responsibilities milti hain, aur jo you know variation hai jin fields mein aap kaam kar sakte ho, wo mujhe bahut attract kiya. Specially jab main ek aisi field mein chala gaya jab main dekh raha tha ki main shayad ek hi jagah restrict ho jaunga, to tab mera I think in fact job join karne ke baad mera इनफैक्ट निश्चय और ज्यादा सुदृढ़ हुआ होगा, क्योंकि फिर मैं समझ पा रहा था कि शायद उधर मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी. एक गवर्नमेंट जॉब का आप इम्पोर्टेंस भी थोड़ा ज्यादा समझ पाए जी. आपके अंदर सीनियर ऑफिसर्स भी होंगे आपके मिनिस्ट्रीज के अंदर, और पेट्रोलियम में जहाँ आप काम कर रहे हैं इंडियन ऑयल में, जो सीनियर ऑफिसर्स पे भी कुछ ऑफिसर्स का एक्सपोजर वगैरह कुछ हुआ होगा आपको और ज्यादा. राइट बिल्कुल. ओरिएंटेशन के दौरान भी हम और हम वहां पे भी मुझे बताते थे कि मिनिस्ट्री से कोई जॉइंट सेक्रेटरी अगर कुछ बोल दे तो वो पत्थर की लकीर होती है, वो करना होता है. तो मतलब मेरे को समझ आ रहा था कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी पीएसयूज पे भी उन्हीं का है, और उससे भी ज्यादा आई थिंक सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग यही था कि जब मैं वहां जाता था तो मैं देखता था कि जैसे मैं ल्यूब्रिकेंट्स डिविजन में था, तो मेरा काम होता था कि सर्वो ब्रांड के जो डब्बे बनते थे वो बनना और डिस्पैच करना. तो थोड़ी देर के बाद उस काम में सैचुरेशन आ गया, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा ग्रोथ का एवेन्यूज नहीं है. तो वेयर एज व्हेन आई वुड कंपेयर इट टू से द इनिशियल पोस्टिंग ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, और यू नो वो वहां पे जो प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और डायरेक्टली लोगों के साथ इंटरेक्ट करके लोगों की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने का अपॉर्चुनिटी, वो चीज बहुत ज्यादा इंस्पायर किया. और आई थिंक उसी के कारण मैं जॉब के साथ भी पढ़ाई कर पाया, क्योंकि 6 days बेसिकली प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा फर्क पड़ गया ना, कि किस प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, स्कोप ऑफ वर्क क्या है जी, वहाँ टेक्निकलिटीज के साथ साथ यहाँ बेसिकली फील्ड में जब आप आईएएस के रूप में जाते हैं, स्टार्टिंग की पोस्टिंग में एज एसटीएम बनेंगे और डायरेक्ट फील्ड का जो आपकी ड्यूटी बनना शुरू होगी, तो नेचुरली एक रिवॉर्डिंग करियर के रूप में आप उसको देखना शुरू कर दिए. राइट जी. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हालांकि अभी आप बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, जो कहते हैं बेसिक ड्राइविंग फोर्स एंड मोटिवेटिंग फोर्स, क्योंकि एक अच्छा खासा समय प्रिपरेशन में लग जाता है. 2018 का भी आपने एग्जाम दिया ही, उसमें भी 19 का फिर दिए, तो इसमें ड्राइविंग एंड मोटिवेटिंग फोर्स यदि पूछे आपके पीछे सिविल आईएएस बनने में, वो क्या रहा? आई थिंक मैं दो प्राइम चीजें बोलूंगा. फर्स्ट इज कि इट अलाउज यू टू कनेक्ट टू पीपल ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली. मतलब बाकी सब में भी है, ऐसा नहीं था, मेरी जॉब में मैं देश सेवा नहीं कर रहा था, बट जो डायरेक्ट बिल्कुल कनेक्ट होता है, दैट इज समथिंग विच आई वॉज सीकिंग एंड दैट रियली अट्रैक्टेड मी. सेकेंड इज द डाइवर्सिटी ऑफ द जॉब, द शेयर डाइवर्सिटी जो आपको इतनी इनिशियल स्टेजेस ऑफ द करियर में मिलती है, दैट इज अनपैरेलल्ड टू माई माइंड. एंड आई थिंक डाइवर्सिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ये दो चीजें थी जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया. स्पेशली जब मैं एक जॉब में आ गया और मैं ये चीजें अप्रिशिएट करने लगा, जो कि मुझे पिताजी भी बताते थे, मैं लोगों से भी सुनता था, वहां पे आके आई थिंक मेरा माइंड चेंज हुआ. अच्छा, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान में बहुत सारे फेजेज आते हैं जहाँ लगता है कि भाई बड़ा डिमोटिवेटिंग, इतना ज्यादा होगा या नहीं होगा, क्या होगा, अच्छा खासा हम जॉब में भी हैं, तो इस तरह की फीलिंग भी आपकी आती थी कभी जब तैयारी के दौरान? जी आई थिंक
डीमोटिवेशन के फेजेस तो डेफिनेटली आते हैं, देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, एंड स्पेशली फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल आई थिंक थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे मेरे केस में मेरे दिन के 12 घंटे तो जॉब में जाते थे, एंड जो 12 घंटे बचते थे उनमें से 6 घंटे तो नींद आवश्यक है, तो मेरे पास एट मैक्स 5 or 6 आवर्स ही होते थे दिन में पढ़ने के लिए, तो शेड्यूल ऐसे ही बहुत ज्यादा क्लटर्ड रहता था, एंड कभी कुछ कॉल्स आ जाएं बॉस के या कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता, तो ये एडेड फ्रस्ट्रेशन रहता था। उसके अलावा जो नॉर्मल स्टडी शेड्यूल भी होता था उसमें भी अप्स एंड डाउन्स रहते थे, कि जैसे अभी कुछ पढ़ा और अगली बार वो पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले पढ़ा ही नहीं है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता था कि मेरे को याद ही नहीं हो पा रहा है, कि मेरे दिमाग में चीजें नहीं पड़ रही हैं। बट आई थिंक धीरे धीरे जैसे आप उस फेज में जाते जाते हैं, एक आपकी एक हैबिट बन जाती है, आपका एक स्केड्यूल बन जाता है, एक रूटीन बन जाती है, जो फिर आप अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, अगर आप एक्चुअल में कमिटेड हैं अपने जॉब के लिए जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उनसे आगे बढ़ना सीख लेते हैं। तो जरूर ऐसा होता है एक दो लो डेज आते हैं जब कुछ करने का मन नहीं करता, आई थिंक अगर हम वो 2-3 दिन आराम से अगर वो निकालने के बाद, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कूलर हेड्स प्रिवेल, एंड हम वापस आके उन 2-3 दिन बाद फिर से अपनी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करें, वो जब हमारा फेस बन जाता है देन आई थिंक ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, बट ऐसा माइंडसेट बनाने के लिए दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट वंस दैट इज डन इट इज। इसमें क्या है, देखिए स्पेशली आपके जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं, उनको एक क्वेश्चन होता है दिमाग में कि क्या मैं जॉब के साथ भी तैयारी कर सकता हूँ, तो नेचुरली आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका टाइम मैनेजमेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप अपने रूटीन में सब बता चुके हैं, बट फिर भी ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स या जॉब में जो लोग हैं जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, कि लोगों को लगता है कि टाइम बहुत कम मिलता है, बाकी जो फ्री उनको ज्यादा टाइम मिलता है, आपको कम मिलता है, 4-5 घंटे मिलता है, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिनको इस तरह के अप्रिहेंशन फियर रहता है कि क्या जॉब से भी हम तैयारी कर सकते हैं जॉब के साथ भी? देखिए इससे पहले कि मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, मेरे हिसाब से बीइंग इन अ जॉब एक आपके लिए नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, इट कैन बी अ पॉजिटिव वन एज वेल। जैसे सबसे पहले आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, आपको यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन टू, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जैसे जैसे हम आगे एज में बढ़ते जाते हैं तो फैमिली की भी आपसे एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नंबर वन। नंबर टू मैं ये भी बोलूंगा कि आई थिंक जैसे जैसे आप जैसे जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम ही है, तो आप बहुत ज्यादा एफिशियंट भी हो जाते हैं अपनी काम में भी। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट की जो बात है, मेरे हिसाब से एक नॉन जॉब डूइंग एस्पायरेंट जिसके पास 24 घंटे हैं, आपके पास अगर आप जॉब कर रहे हैं तो शायद आपके पास 12 ही घंटे हैं, तो हमें आई थिंक इस तरह से देखना चाहिए कि वो जो एस्पायरेंट जो 24 घंटे जिसके पास है, ऐसा नहीं है कि वो दिन में 18 घंटे पढ़ रहा है। बाकी किसी टॉपर्स की भी टॉक्स देख लें, वो सब भी यही बोलते हैं कि अगर आप दिन में 7-8 घंटे अच्छे से पढ़ सकते हैं तो डेट इज इनफ। इन एनी केस quantity of studies does not matter, it is the quality which matters. So I appreciate the fact ki mere paas 5 ghante hi hain shayad padhai ke liye, but agar main wo 5 ghante acche se pad sakta hu aur apna time management acche se kar sakta hu and mere paas pehle se ek mental emotional boost hai ki main financially independent hu, kuch ho bhi jaye to mere paas, agar main na bhi kar paun kyunki exam itna uncertain hai, तो फिर भी मेरे पास आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन टू। आई थिंक वो सब जब कंबाइन करते हैं मेरे हिसाब से इट इज इक्विवेलेंट टू दोस 7 or 8 आवर्स जो एक नॉन जॉब डूइंग। तो ये एक एडवांटेज वाली बात है, कोई डिसएडवांटेज की बात नहीं है। बिल्कुल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, दिस इज अ मैटर ऑफ आपका माइंडसेट कैसा है। जिसका एक अगर एक आशावादी एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो एस्पायरेंट होगा, he would be committed irrespective of the fact ki wo job kar rahe hain ya nahi kar rahe hain, to aap apna mindset jaisa bana le, I think aap kisi bhi paristhiti mein kuch bhi kar sakte hain, matlab sirf exam ke liye hi nahi, it's all dependent on your attitude and the mindset with which you are. To basically mind ka hi game hai ki aap kaise usko dekhte hain, ji right, har kisi ki apni alag alag paristhiti hoti hai,
आप उसमें कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे करने जा रहे हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुभम, तैयारी आपने जैसा कहा कि एक ही अटेम्प्ट आपने सीरियसली लिया, पहला अटेम्प्ट तो थोड़े 18 तो एक तरह से आपने बिना तैयारी के लिए लेना पड़ा, बट हम उस अटेम्प्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं जो आपका नहीं हुआ। कितने समय पहले आपने तैयारी शुरू की और कितना डिफरेंस रह गया आपको क्वालिफाई करने में, और जिससे क्या आपने सीखा कि आगे क्या करना, चूंकि फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। नेचुरली पहला अटेम्प्ट भी आपका बेकार नहीं गया, उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा, तभी आपने इम्प्रूव करके फाइनल सिलेक्शन ले लिया। तो वो पहला अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस क्या था आपका, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जो आपने बोला फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो डेफिनेटली मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मानता हूं अपने सेकंड अटेम्प्ट के सक्सेस में। देखिए मैं कहूंगा कि जैसा मैंने बताया, मेरे पिताजी चाहे मुझे उन्होंने स्टार्टिंग से बोलते थे कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो और यू नो चीजें फॉलो करो, तो मेरा स्टार्टिंग से ही रुचि रही। और आईआईटी में भी मतलब मैं बहुत अच्छे आर्ट्स के कोर्सेज हैं आईआईटी में, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं, तो मैंने बहुत सारी ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज भी लिए आईआईटी में। न्यूज़पेपर मैं स्टार्टिंग से पढ़ता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना। तो मेरे को जब मैंने पिताजी ने फॉर्म भर दिया था तो मुझे पता चला कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और आपको बेसिक चीज़ें आती होनी चाहिए। और स्कूल में भी मतलब मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, तो मैंने स्पेसिफिकली कुछ भी पढ़ाई नहीं की, मैंने कुछ खरीदा नहीं, कोई स्टडी मटेरियल नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता था कि मैं उसको क्लियर कर भी नहीं पाऊंगा। तो मैं बस एक बहुत ही ओपन माइंडसेट से गया कि लेट्स अप्रिशिएट द एग्जाम कि मतलब कैसा है, बिकॉज मैंने सुना था कि यूपीएससी बहुत अच्छा एग्जाम डालता है, ये मुझे पता था। तो मैं बहुत ही ओपन माइंडसेट से गया था और सिर्फ अपने प्रायर नॉलेज जो मैंने कॉलेज में ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज किए थे और जो न्यूज़पेपर रीडिंग जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता था उसके बेसिस पे गया था। और मैं मतलब मैंने अपना मार्क्स तो नहीं चेक किए थे, बट मैं अटेम्प्ट करके आया तो मेरे को बहुत कुछ समझ आया एग्जाम के बारे में। 2018 का पेपर जो था वो भी एक आउटलायर सा था, मतलब बाकी के एग्जाम्स के हिसाब से 2017 और 16 एक ट्रेंड चेंज किया था यूपीएससी ने। तो मुझे समझ आया कि एक कि बहुत ही ज्यादा रटने वाला या बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने वाला एग्जाम नहीं है। एग्जाम इस चीज का है कि आपका कितना वाइड नॉलेज है, कितनी ज्यादा आपको रुचि है चीजों को समझने में, क्योंकि सब चीजें वही पूछी जाती हैं जो आप आसपास आपके रहती हैं। तो जो डिस्कशन में है या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है, राइट? बिल्कुल, मतलब जो चीजें चल रही हैं वही रहता है, जब वो करंट के फॉर्म में पूछ लेते हैं जो स्टैटिक के फॉर्म में, मतलब उसको जो भी नाम दे दें, बट जो चीजें अभी न्यूज में है या फिर जो अभी पहले न्यूज में रही थी वही घुमा फिरा के वही सब चीजें चलती रहती हैं। और जो बेसिक्स, जो बहुत बेसिक चीजें जो 10th 12th क्लास के बच्चे को भी आती होती हैं, वो वाली चीजें पूछते थे। तो मैं अप्रिशिएट किया एग्जाम को, मतलब क्योंकि मैं खुले माइंड से गया था तो मुझे ये भी समझ आ गया था कि बहुत ज्यादा मुझे बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक्स से कहीं उठा के नहीं लिया गया है क्वेश्चन, अगर है तो वो इम्प्लाइड है, डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली वहां से नहीं लिया गया है। तो आई थिंक वो रियलाइजेशन कि इट्स अ एग्जाम ऑफ इट्स नॉट अ एग्जाम ऑफ ब्रूट नॉलेज बट ऑफ योर एनालिटिकल स्किल्स, ऑफ हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन थिंग्स, दिस इज वॉट वॉज माई मेन लर्निंग फ्रॉम माई फर्स्ट अटेम्प्ट। You made the best use of even when it was a failure, लेकिन आपने best उससे निकाला। तो जब आप second attempt की बात आई, जब आप तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपने pre और mains दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई शुरू करी और क्या क्या changes लाए अपने अंदर जो आपने learn किया उसे?
जी जैसा मैंने बताया कि मैंने अपनी तैयारी जॉब ज्वाइन करने के बाद शुरू की, तो आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे पास दिन में 4, 5, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं। तो और मैंने सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले, क्योंकि मैंने एक बार ही एग्ज़ाम देख लिया था तो मुझे समझ आ गया था कि एग्ज़ाम थोड़ा अनकन्वेंशनल है, तो मैंने सबसे पहले टॉपर्स टॉक सुनी। जितने भी यूट्यूब पे मुझे उनकी टॉक्स मिल पाई, कोरा पे मैं टॉपर्स को फॉलो करने लग गया, उनके ब्लॉग्स पढ़े। तैयारी करने से पहले मैंने 1 महीने के आसपास मैंने सिर्फ यही काम किया होगा, मैंने सबके टॉक सुने और मतलब समझने की कोशिश की कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। उस टॉपर्स टॉक्स, उनके ब्लॉग्स फॉलो करने के बाद, वो सब चीजों के बाद मुझे समझ आया कि एक एक मैंने एक कॉमन मिनिमम बुक लिस्ट बनाई। जैसे मुझे समझ आ गया कि पॉलिटी के लिए मुझे लक्ष्मीकांत ही पढ़ने की जरूरत है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कौन से टॉक शोज देखने चाहिए। तो एक मोटे मोटे तौर पे मुझे चीजें समझ आने लग गई, सिलेबस का इम्पोर्टेंस, सिलेबस पढ़ना उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखें ताकि आप वो गलतियां ना करें जो बाकी लोगों ने की है। एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ स्मार्ट इंडिविजुअल एज वेल, टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स फेलियर्स। तो और बहुत अच्छी अच्छी टॉक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिखे हैं टॉपर्स ने, तो वो मेरा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद मैंने बेसिक बुक्स जो कि सबको पता होता है, एनसीईआरटीज, लक्ष्मीकांत, बेसिक बुक्स ले ली, बट कुछ भी मैंने बहुत ज्यादा बुक्स खरीदने पे फोकस नहीं किया। आई फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। राइट, देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो यू कन्वर्टेड हार्ड वर्क इनटू स्मार्ट वर्क, क्योंकि आप जॉब में भी थे, समय भी कम था आपका, तो ये जो शिफ्ट या कन्वर्जन फ्रॉम हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात की आइडेंटिफिकेशन रिसोर्सेज ऑल्सो, पर यदि हम आपको बोलें कि व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ स्मार्ट वर्क फॉर आईएएस प्रिपरेशन या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो कुछ आप थोड़े पॉइंट फॉर्म में बताइए कि व्हाट आर द बेसिक 3-4 पॉइंट्स व्हिच वन हैज टू यूज टू मेक इट ए स्मार्ट वर्क। देखिए मेरे हिसाब से द बिगेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एस्पायरेंट इज टू रियलाइज कि हर एक इंसान का स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट होता है। आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो आपको एक अच्छा, एक अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो होना चाहिए। बट हम सबकी स्टार्टिंग लाइंस डिफरेंट है, हम सबकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। जैसे मैं ऐसा हो सकता है कि मैं मतलब क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं शायद करंट अफेयर्स में मैं अच्छा रहूंगा। तो इसका मतलब कि मेरे को सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अपनी आइडेंटिफाई करनी है और देखना है। कई लोग होते हैं उनको लिखने में परेशानी होती है, वो बहुत अच्छा लिख नहीं पाते, सोच बहुत अच्छा लेते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम, मतलब दिस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव और ये हर एक व्यक्ति का सबका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले इज टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम। अलग अलग। सो द मैसेज, फर्स्ट पॉइंट यू आर सेइंग इज कि डोंट कॉपी, लर्न फ्रॉम व्हाटएवर सोर्सेज यू कैन अडॉप्ट एंड डेवलप योर ओन स्ट्रेटजी जो आपको सूट करता है। करेक्ट, दैट इज अडॉप्ट व्हाटएवर पीपल हैव डन अकॉर्डिंग टू यू। उनको जरूर सुनिए क्योंकि उन्होंने जो किया है वो काम किया, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने किया है डजंट मीन आपके लिए भी काम करेगा। नोट मेकिंग टॉपर्स बोलते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल था, मैं मुझे लक्ष्मीकांत के नोट्स, हालांकि लक्ष्मीकांत के तो टॉपर्स बोलते हैं नोट्स नहीं बनाने चाहिए, बट मान लीजिए हिस्ट्री के मुझे नोट्स बनाने थे। तो हिस्ट्री पहले मैं पढ़ूंगा, फिर उसको नोट्स बनाऊंगा, फिर मैं रियलाइज करूंगा कि यार ये तो अच्छे नोट्स नहीं है, कि मेरे को इससे शायद इसको इम्प्रोवाइज करना है नोट्स पे, या ये नोट्स शायद सिर्फ प्री सेंट्रिक है, मेन सेंट्रिक बनाने हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो टॉपर्स हैं उनके भी नोट्स देखे जाएं, उन्होंने कैसे नोट्स बनाए हैं, क्या मैं क्या उनके नोट्स, आर दोज नोट्स गुड इनफ। जस्ट बिकॉज एक टॉपर है जिसका AIR 1 है, 2 है, 3 है, डजंट मीन कि उसके नोट्स भी उतने ही अच्छे होंगे। आई डोंट सी कि मेरे को उस टॉपर के नोट्स समझ आ रहे हैं, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं,
क्या मैं उन नोट्स पे बिल्ड ऑन कर सकता हूँ. तो मैंने इसी तरह सब, जैसे हिस्ट्री के लिए मुदित जैन सर थे, उन्होंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स रखे हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा कंपाइल कर रखा है, 70-80 पेज में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का रस निकाल के रखा हुआ. मैंने उसको फॉलो किया और मैंने, और ऐसा करने से मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लिया. और बिकॉज वो नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव थे, इतने अच्छे थे कि बाकी चीजों के साथ सप्लीमेंट करके मेरा मॉडर्न हिस्ट्री उससे बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया. सिमिलरली बाकी सब चीजों में भी आई थिंक अगेन बात आ जाती है, जो मैंने पहला एक मंथ इन्वेस्टमेंट किया टॉपर्स की टॉक सुन के और उनके ब्लॉग्स, उनके नोट्स वगैरह देख के, कि बिकॉज मैं फिर बार बार उनके पास वापस जा रहा था कि अच्छा उस समय उन्होंने ये बोला था. और अपने प्रिपरेशन के स्टेज के हिसाब से भी आपकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है. जैसे बोला गया है कि अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बस न्यूज़पेपर की हेडलाइन का नहीं बना लेना है, उसका समरी का उसका एक अलग तरीके से वो बनाना होता है. तो बार बार मैं उनके पास जाता था, उनके नोट्स पे जाता था और देखता था क्या मैं उन नोट्स पे आगे काम कर सकता हूँ. तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं टॉपर्स के नोट्स और बाकी भी जहाँ से भी मुझे नोट्स मिल रहे हैं उनको देखूं, एनालाइज करूं, अगर मुझे लगता है कि वो नोट्स आर गुड इनफ तो आई वुड चूज टू रीड फ्रॉम दोज नोट्स और बिल्ड ऑन दोज नोट्स. क्योंकि इससे मैं अपना टाइम सेव कर पा रहा था, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मैं साथ साथ में वर्किंग भी था. तो मतलब मैं नोट्स बनाने में अगर मेहनत करता तो शायद इस अटेम्प्ट में तक मैं अपना सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाता. तो कॉन्टेक्चुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हर किसी को. तो टू समराइज योर कॉन्सेप्ट ऑफ नोट मेकिंग जो आपने बनाया वो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए. सो मेरा कॉन्सेप्ट जो नोट मेकिंग का था वो था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्या कोई मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में रिगार्डिंग दैट. I always prefer toppers notes over conventional किसी ने बना रखा हो और किसी because उन्होंने they would have I presume कि they would have gone through those notes जो पहले होंगे और उन्होंने उसका रस निकाल के notes बनाया होगा. अगर notes available हैं are they good enough? If they're not good enough then either leave it or search for other notes. If I find a note which is good जो मुझे लगता है ठीक है या फिर उस पे मैं थोड़ा सा और मेहनत करूं तो एक अच्छे नोट्स बन जाएंगे, तो मेरे को लगता था कि मैं उसको करूं तो बेटर रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम सेविंग हो जाती. अगर मैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पे थोड़ा बहुत शायद इधर उधर जो मिस हो जाता तो मैं खुद नोट से बनाता, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके मुझे दिख रहा था कि अगर एक क्वेश्चन मिस भी हो जाए मेरे 100 घंटे बचेंगे, उस 100 घंटे में मैं शायद 3 क्वेश्चन और बेटर कर सकता हूँ. तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, दैट इज द की. अच्छा ये शुभम आपने अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करी, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है. स्टूडेंट इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड या बुक्स के लंबे लंबे लिस्ट बना करके उलझ जाते हैं. आपने अपने एक साल के सीरियस प्रिपरेशन में उसको किया और आप बीच बीच में कई बार आपने स्मार्ट प्रिपरेशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हिंट किया, वो जरा बताइए कि हाउ टू डिफाइन एंड लिमिट योर रिसोर्सेज ऑफ स्टडी, उसके बारे में थोड़ा बताइए. आई थिंक आपने सही बोला, मैं कहीं और भी मैंने ये पढ़ा था कि आजकल हम एक समय था जब इंफॉर्मेशन की कमी थी, जब मटेरियल, अब वी आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, ओवरलोड हो चुका है. अब हमारे लिए मुश्किल है पहचानना इनमें से पढ़ना क्या है. तो आई थिंक वी मस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, दे ऑलवेज से दैट सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. तो लेट्स कीप इट सिंपल. जो हमारी बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी, सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़े. पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री के बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम कुछ भी पढ़ लें. मतलब ये जो बेसिक बुक्स हैं जो सबको पता होता है वो हम रेफर करें. उसके बाद जब हमारा एक बेस बन जाता है उसके बाद देन वी शुड जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन. तो रिसोर्सेज सिलेक्शन जो है इसका कोई एक फुल प्रूफ तरीका नहीं है. रिसोर्स सिलेक्शन एज आई सेड प्रीवियसली एज वेल इज अ फंक्शन ऑफ आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं. बिकॉज अगर हम ऐसे सिलेबस देखने जाएं तो सिलेबस अगर लिख दिया इकोनॉमी ऑफ इंडिया तो इकोनॉमी ऑफ इंडिया में एवरीथिंग, मतलब it is a very exhaustive thing to do and people do phds in these and still they say ki hame kuch bhi nahi aata hai. So you have to see ki aapko kahan pe line, where you have to draw the line ki isse zyada main nahi padhunga.
तो ये जो इंट्यूशन है कि कितना पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, वो आता है मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर टॉपर्स की बातें सुन के, फिर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके और देख के कि वो क्या पूछते हैं, कैसा पूछते हैं। थर्डली सिलेबस को देख के, सिलेबस में जो चीजें लिखी हैं क्या वो सब कवर कर ली हैं हमने, और फिर अगर हमने कवर कर लिए हैं क्या मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उससे कर पा रहा हूँ। अगर मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे वो भी देखना है वो क्वेश्चन कैसा है। वो जो क्वेश्चन अगर मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, इज दैट अ आउटलायर क्वेश्चन या एक नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और अगर मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे एक सिंपल आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो इट मीन्स कि आई नीड टू गो बैक। बट अगर कोई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है या कोई बहुत ही आउटलायर सा क्वेश्चन है तो मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एक बाहर से आ गया इसका मतलब मुझे बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत है। आई थिंक एक एस्पायरेंट अगर उसने अच्छे से पेपर्स को एनालाइज किया हो तो दे विल ऑलवेज रियलाइज कि क्वेश्चंस ब्रूट नॉलेज, ब्रूट इंफॉर्मेशन वाले नहीं होते हैं। अगर वो देखने से लग भी रहा है कि ब्रूट इंफॉर्मेशन, ब्रूट नॉलेज वाला है तो वो फिर भी लॉजिक से या थोड़ा सा एनालाइज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स में। और मेंस में तो क्वेश्चन बहुत ही जनरल होते हैं, स्पेशली जनरल स्टडीज में, कि ऐसा बहुत ही कम होगा कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस का पेपर देने जा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन का कुछ हवा ही नहीं लगी। क्वेश्चन आर एनालिटिकल, क्वेश्चंस में आपको विड्थ देखी जाती है, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और उस पे फोकस होना चाहिए। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली यदि आपने जो आपका बैकग्राउंड है, जितना आपको रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से यू हैव टू आइडेंटिफाई, लिमिट योर रिसोर्सेज। यदि आपने, बेटर है कि एक रिसोर्स को आप बार बार पढ़ें रादर देन कि नए नए रिसोर्स क्रिएट करके नई बुक्स पढ़ते रहें। दैट्स वेरी शुभम। एक सवाल आपसे स्पेशली मैं पूछना चाहूंगा प्लिम्स के ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में, कि प्लिम्स में एक सिलेक्शन निश्चित हो जाए, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना दैट इज द बेस्ट टेक्निक, बट प्लिम्स में जो खास ध्यान रखना चाहिए, चूंकि लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेम्बर, क्वेश्चन भी काफी वाइड रेंजिंग हो जाते हैं, तो वो कुछ बेसिक पॉइंट्स बताइए। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट, वंस हमने बेसिक बुक्स पढ़ ली हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है अप्रिशिएट करना कि अगर कोई भी एस्पायरेंट पेपर देखे प्रीलिम्स का, जितना भी स्मार्ट कैंडिडेट होगा 40-50 क्वेश्चन से ज़्यादा उसको देखते ही वो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मुझे इसका आंसर आता है। सो इट कम्स डाउन टू योर एनालिटिक्स, कम्स डाउन टू आपका इंट्यूशन कितना अच्छा है, एंड वो इंट्यूशन और वो जो एनालिटिकल जो स्किल है वो आपका टेस्ट सीरीज करने से बनता है। तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन रीडिंग अ बुक एंड डूइंग अ टेस्ट सीरीज, आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू डू अ टेस्ट सीरीज वंस प्रोवाइडेड यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। क्योंकि टेस्ट में बहुत कम ऐसा होता है जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जो बुक से बन जाते हैं। इट कम्स डाउन टू दिस, एंड वो एलिमिनेशन, वो एनालिसिस करना, वो आई थिंक टेस्ट सीरीज से आता है। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम से पहले कम से कम 40-50 टेस्ट पेपर सभी इंस्टीट्यूट्स के, किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट के आप 2-3 के आप ले लीजिए टेस्ट सीरीज, और वो टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कीजिए और देखिए उसमें आप कैसा स्कोर कर रहे हैं। अगर आप बहुत बुरा स्कोर कर रहे हैं तो डैट्स अ प्रॉब्लम, बट इफ यू आर गेटिंग एवरेज मार्क्स, लेट्स से 80-90-100-110-120 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर डूइंग वेल एंड आप वही करते रहिए। एक माइंड फ्रेम बन जाता है प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले जहां पे आप एलिमिनेट कर पाते हैं, वो टेस्ट सीरीज से ही बनता है। तो मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज। वेरी नाइस। एग्जामिनेशन डे में एग्जामिनेशन स्किल क्या है, तैयारी तो आपने कर ली, पर बहुत सारे स्टूडेंट से गलती होती है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के, तो वो जो प्रिकॉशंस आप ध्यान दिलाना चाहेंगे और क्या एग्जामिनेशन में प्रिकॉशंस या कह लीजिए या स्किल जो यूज होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे हिसाब से देखिए एग्जामिनेशन से पहले तक इट्स अबाउट आपने कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, बट ऑन द डी डे, ऑन द एग्जामिनेशन डे, वो 2 घंटे जो एग्जाम में, आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम अपना काम कंपोजर रखें। कोई भी अगर एग्जाम हम देखें, मतलब यूपीएससी का जो एग्जाम है, कोई भी पेपर देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से निकल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर से पहले एक अच्छी स्लीप लें और वहां पे जाएं तो टेक डीप ब्रेथ्स, इट्स गुड, एंड पानी पिए, और जब पेपर देखें तो आप ओपन माइंड से पेपर को करने की कोशिश करें।
अच्छे से उसको क्वेश्चन को पढ़े, दो बार पढ़े, और फिर अपने कॉमन सेंस से आप देखेंगे कि कम से कम 7-8-9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ कॉमन सेंस से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन था कि AIIB में 80 कंट्रीज हैं, एंड सेकेंड ऑप्शन था इसमें सिर्फ एशिया की कंट्रीज हैं, ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बट अगर कॉमन सेंस होगा, अगर आपको AIIB के बारे में पता भी नहीं है, तो इतना सा आई थिंक इंसान कॉमन सेंस लगा सकता है कि अगर 80-90 कंट्रीज लिखा है तो शायद एक कॉन्टिनेंट में नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट कीपिंग योर माइंड ओपन एंड अप्लाइंग कॉमन सेंस। इट्स जस्ट दैट सेंस इज नॉट वेरी कॉमन जब हम एक्चुअल एग्जाम सर्कमस्टेंसेस में आ जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मली भी टेस्ट सीरीज करते टाइम भी ओपन माइंड से जितना हम जा पाए, जितना हम अपने आप को कर पाए, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। इट इज काइंड ऑफ इंटेलिजेंस गेस वर्क दिया जाता है। इट इज जो गेस वर्क है, जो इंट्यूशन, एक होता है गेस और एक होता है एजुकेटेड गेस। जो एजुकेटेड गेसेस होते हैं वो मारने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ओपन माइंड से सोचे, खुले माइंड से सोचे। और दैट्स व्हाई आई सेड इंटेलिजेंट गेस, ऐसा नहीं कि जस्ट आपने रैंडम कर लिया, राइट? Hi, my name is Ranjita Sharma. I have secured rank 130 this year in the Civil Services Exam 2018, and I'm getting into the Indian Police Services with this rank. Here I'd like to mention that I appeared for a mock interview at Chanakya right before my final interview. And the atmosphere provided here at the mock was quite similar to my actual interview, and it helped me remain calm. The feedback provided at the interview was really, really helpful, because it not only helped me understand the areas that I needed to work upon, but at the same time, the positive feedback helped me stay motivated in the run-up to the interview, because the time is very, very crucial. So I'd like to thank Chanakya IAS for all the help offered. Thank you so much. शुभम, थोड़ी सी जो मेंस की स्ट्रेटजी है उसको उसके ब्रीफ में बताइए कि मेंस में अच्छा करने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से जैसे मेंस में मैंने अपनी मेंस की तैयारी प्री के बाद की थी, एंड मेरा स्ट्रेटजी बहुत सिंपल था कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे और मेरे को ये बहुत क्लियर हो गया कि GS में 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 में से आप 5-6 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जो 70-75 क्वेश्चन होते हैं बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप प्री निकाल के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम के बारे में, मतलब उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज रहेगी। माई फोकस वॉज कि जो मेरे को नॉलेज मेरे माइंड में है वो मैं अपनी शीट पे कैसे रिप्रोड्यूस कर पाऊँ। मेरे हिसाब से अगर 150 वर्ड लिखना है, 250 वर्ड लिखना है एक आंसर में, उसमें आपको अगर बहुत ज्यादा नॉलेज है भी है उस इशू पे, आप वो ट्रांसलेट कर नहीं पाएंगे 150 वर्ड्स 200 वर्ड के आंसर में। और अगर कर भी पाएंगे तो आपको 20 आंसर लिखने होते हैं और हर आंसर के लिए आपके पास 7-8-9 मिनट होता है। तो वो सब देखते हुए आई थिंक फोकस शुड बी कि आप कैसे जो चीज आप पहले से जानते हैं, जो आपको नॉलेज है, उसको अपनी आंसर शीट पे ट्रांसलेट कर पाए। इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। तो मेरा एग्जैक्टली द ओनली थिंग इज कि आई डोंट थिंक कि मेंस के लिए कुछ स्पेसिफिकली आपको डिफरेंट करना चाहिए प्रीलिम से। दे ऑलमोस्ट ऑल द टॉपर्स है कि इंटीग्रेटेड तैयारी ही होती है, और बेसिकली जो आपका बेस प्रीलिम्स में बन चुका होता है उसी को यूज करके आप अपने मेंस के भी आंसर राइटिंग स्किल के मतलब प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बिल्कुल आपकी अच्छी होते चले जाएंगे। दैट्स व्हाट। एक आपके ऑप्शनल के बारे में जानना चाहूंगा, आप इंजीनियर हैं बैकग्राउंड से, लेकिन आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट ले लिया, तो आपने क्यों लिया और ऑप्शनल सिलेक्शन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये जरा बताइए। सबसे पहले ऑप्शनल सिलेक्शन में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इज आपका इंटरेस्ट। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको कर पाएंगे, वो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर बन जाता है, वो एक बर्डन नहीं रहता। तो आई थिंक इंटरेस्ट इज द नंबर वन। सेकेंड मेरे हिसाब से इज मटीरियल अवेलेबिलिटी।
आप वंस अगेन कम्स डाउन टू आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, जैसे आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। आजकल तो खैर हर जगह अवेलेबल हो गया, बट आपका जो ऑप्शनल है आपको देखना चाहिए कि क्या उसका आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, या इफ नॉट स्टडी मटेरियल कोई कोचिंग कोई गाइडेंस आपके पास अवेलेबल है, अगर इफ इट्स अनकन्वेंशनल ऑप्शनल या फिर जो ऑप्शनल आपने पढ़ा नहीं है, जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है। मेरे केस में मेरे लिए चॉइस बहुत ही आसान थी, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साथ मैं आई वॉज वेरी क्लियर कि जैसे मैं इलेक्ट्रिकल में पास आउट किया तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर मैं तैयारी करता तो मेरे को अपने दिन के 3-4 घंटे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देने पड़ते, जिसका मेरे जनरल स्टडीज से कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो आई हैड टू चूज बिटवीन पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पबेड वगैरह। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस चुना क्योंकि मेरे को इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत अच्छा लगता था, मुझे वो फॉलो करना बहुत पसंद था। तो और जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर भी मैं पढ़ता था, तो मेरे को थोड़ा आई वॉज अप टू डेट विद इट, तो वो सब सोच के मैंने अपना पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखा। बट बेसिकली इंटरेस्ट फैक्टर डोमिनेट किया, बट उससे भी ज्यादा मैं जैसे बताऊं कि मैंने अपने ऑप्शनल की तैयारी मैंने प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद शुरू की। उससे पहले तक मैंने पॉलिटिकल साइंस कभी ऑप्शनल के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं की, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी अपने ऑप्शनल की तैयारी के लिए। अच्छा, पहले कोई पढ़ाई नहीं की उसके ऊपर? वेरी गुड। नहीं की, और उसके बाद भी मतलब मैंने सिंपली बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन इट, इंटरनेशनल अफेयर्स वॉज ऑब्वियसली समथिंग जो कवर हो जाता, बट पॉलिटिकल साइंस जो एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम मैंने अपने ऑप्शनल के बाद पढ़ना शुरू किया। एंड उसमें भी मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो किया था कि मैं टॉपर्स की पहले बातें सुनूं क्या बोला है, मैं किसी टॉपर के नोट्स देखूं जो मेरे को लगता है जिसपे मैं बिल्ड ऑन कर सकता हूं, और ढूंढने में मुझे वो मिल गए और उसी पे मैंने फोकस करके मैंने वो किया। तो इसीलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक्स ना पढ़िए, बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, बट ये सोचना कि अब मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली है तो इसलिए मेरा ये हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, इज नॉट अ राइट अप्रोच। सिमिलरली ये सोचना कि मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है इसलिए मेरा एग्जाम नहीं होगा इज अगेन प्रॉब्लमेटिक। इट कम्स डाउन टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एग्जाम। हर एग्जाम डिफरेंट होता है। अगर आप जेई का एग्जाम लिख रहे हैं उसका एक अलग तरीका है क्वेश्चन डालने का, यूपीएससी के एग्जाम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। आप रिक्वायरमेंट समझिए, उस हिसाब से अपने तैयारी को फाइन ट्यून कीजिए। बिकॉज अप्रिशिएट करना चाहिए कि पीएचडी हमें नहीं करनी है, हमें बस एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, एंड दैट आई थिंक गिव्स यू द रिवॉर्ड्स। वेरी नाइस शुभम, योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर। आप थोड़ी सी आपकी, चूंकि एक ही सिविल सर्विसेज स्पेशलिटी टेस्ट में गए, इंटरव्यू दिया और आप क्वालिफाई कर गए, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है बोर्ड में कि सिविल सर्विसेज स्पेशलिटी टेस्ट में क्या जांचा जाता है और आपने कैसे परफॉर्म किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो मेरा इंटरव्यू बोर्ड बसी सर का बोर्ड था, एंड मैं मॉर्निंग सेशन में था, 10 to 1 जो होता है, एंड आई वॉज लास्ट टू गो। सो मेरा इंटरव्यू 12:55 पे शुरू हुआ। तो आई थिंक इंटरव्यू बोर्ड जो होता है वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड वैसे भी 20-25 मिनट्स में नोबडी कैन चेक योर नॉलेज। तो आई थिंक वहाँ जाने से पहले कुछ चीज़ें जो सबको पता होती हैं वो होता है कि मतलब जो आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए, ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए, सिंपली बिकॉज दे आर सो सीनियर एंड दे आर सो नॉलेजेबल, एंड दे विल ऑलवेज ट्राई कि आपको थोड़ा सा उकसाएं, वो कुछ आपसे एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स ले जाएं, या फिर आप गुस्सा दिखा दो किसी चीज़ पे, तो इसके लिए वो कोशिश करते रहते हैं। तो वही आई थिंक गेम रहती है कि वो 20-25 मिनट में आप अपना कंपोजर रख पाएं। मेरे केस में मैं गया तो मेरा इंटरव्यू बिल्कुल एंड में शुरू हुआ और टाइम हो गया था, तो बसी सर मुझे उन्होंने बोला कि चलिए अभी 2-3 मिनट में आपका इंटरव्यू खत्म कर देंगे, अभी तो लंच का टाइम हो गया, तो अच्छा। आप हमें 1-2 मिनट में इम्प्रेस कर कीजिए। एंड उसके बाद भी बीच बीच में भी वो बोल रहे थे, जैसे मैं इंडियन ऑयल में काम करता था तो वो कहते थे कि उन्होंने जैसे मेरे को मेरे से कुछ एक्सट्रीम कुछ गुस्से वाला ओपिनियन निकालने के लिए वो बोले कि अरे तुम तो इंडियन ऑयल में, तुम क्या, तुम लोग तो वहाँ पे जाते होंगे पकोड़े खा के चाय पी के, बस तुम वापस आ जाते होंगे, काम तो करते नहीं होंगे तुम। सो आई थिंक जो भी वो क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे देखने में जरूर लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ वेरी डीप मीनिंग टू वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप किस
किस तरह वहां पे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप कितने हाजिर जवाब हैं, किस तरह आप एक रॉन्ग ओपिनियन को भी, एक रॉन्ग कमेंट को भी आप कैसे अपने स्ट्राइड में लेते हैं, कैसे कुछ आप विटी आंसर दे दें उसका. तो आई थिंक उससे आपका इंटरव्यू स्कोर 20-30 नंबर का फर्क पड़ सकता है. तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि देखिए क्वेश्चन तो जैसा आएगा इंसान वैसा ही रिप्लाई करेगा, बट जो बेसिक वो है कि आप ह्यूमिलिटी रखिए, आप रिस्पेक्टफुल रहिए और काम रहिए. चाहे आप आंसर ना भी कर पा रहे हैं, मैं बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं जहाँ पे पहले 10 क्वेश्चन पूछे और उन 10 में से एक भी नहीं आया और स्टिल उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू में स्कोर किया. तो इससे बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस का, स्पेशली फैक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए. और ब्लफ नहीं करना चाहिए, अगर कुछ नहीं आता है तो आपकी इंटेग्रिटी शो होती है इससे, कि अगर आप बोलें कि सर मुझे नहीं आता है, पोलाइटली बोल दें, दैट इज मच बेटर देन वहाँ पे ब्लफ करना कि मैं सब क्वेश्चंस के आंसर देकर आया. मेनी पीपल हैव हैड एक्सपीरियंसेस जहाँ पे सब आंसर्स देकर आया और उनके बहुत इतने अच्छे नंबर नहीं आए. तो आई थिंक यही सब होता है कि वो आपका दी चेक की आपकी पर्सनैलिटी इज इट सूटेड टू बी. अभी आपके बारे में देखिए, उन्होंने जो स्टार्टिंग में ही कहा कि लंच का टाइम हो गया, एक दो मिनट रह गया, आप इंप्रेस कर दीजिए, जबकि इंटरव्यू आपको 20-25 मिनट ले लिया, लेकिन स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा आपको कमेंट कर दिया जिसे लगे करे अब तो मेरा ये तो टाइम ही इंटरव्यू नहीं लेंगे. तो आप यदि उसमें झेप जाते यार, यू कुड हैव डेवलप सम कॉम्प्लेक्स की मेरा तो बड़ा बेकार होने जा रहा है इंटरव्यू, तो आपको खराब हो जाता है. दूसरी आपको कमेंट कर दी उन्होंने कि भाई इंडियन ऑयल में काम करते पकौड़ा खा जाकर आ जाते होंगे, काम नहीं कर सकते, तो उसमें आपने क्या, हाउ डिड यू रिएक्ट टू दैट क्वेश्चन? सर आई थिंक मैंने उनको यही बोला कि सर ऐसी इमेज जरूर होगी, बट हम सब वहाँ पे मेहनत करते हैं एंड हम अपनी सत्यनिष्ठा से काम करते हैं वहाँ पे. सो मतलब मेरा कोशिश था कि मैं उस पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड ना करूँ और उनको बोलूँ कि हम वहाँ पे मेहनत करते हैं, दैट्स इट. तो अगर मैं, मेरे हिसाब से अगर मैं उनको बोलता नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो आई थिंक दैट वुड प्रोबेबली हैव बीन रॉन्ग आंसर. आई जस्ट सेड कि जी You took the positive side of that rather than going in contradicting with him ki aisa nahi hota waise nahi hota. That's kisi bhi cheez pe aisa, you don't have to be a yes man. Aapko jo bhi wo baatein kar rahe hain us pe yes nahi bolna hai. Aap uska criticism bhi kar sakte hain jo bole, but criticism should always be constructive criticism. Matlab agar aap unke jo उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनसे डिफर भी कर रहे हैं तो वन तो ऑब्वियसली यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल, बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ आपको पोलाइट एंड असर्टिव, पोलाइट एंड असर्टिव, क्या पोलाइट रही है अपनी बातों में, सच में असर्टिव रही. सुबह आपके कॉल जी कुछ कहना चाहते बोलिए. मैं कह रहा हूं कि इंटरव्यू बोर्ड खुद भी चाहता है कि वो आपके साथ एक कन्वर्सेशन कर पाए एंड अगर आप उनको अपने व्यू पॉइंट्स बताते हैं, चाहे वो उनके व्यू पॉइंट से डिफरेंट हो, वो अप्रिशिएट करते हैं, बट ऑब्वियसली दे हैव टू बी बैक्ड बाय सम फैक्ट्स, दे हैव टू बी बैक्ड बाय सम लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड योर फैक्ट्स. तो दैट इज द की, इट शुड बी एज अ इंटरेक्शन सेशन विद 5 वेरी एक्सपीरियंसड वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड यू शुड ट्राई टू गेट द मोस्ट ऑफ दोस 25-30 मिनट्स. अगर इस एटीट्यूड से जाया जाए तो आई थिंक आपका इंटरव्यू अच्छा ही होगा. So that is an opportunity to discuss with the most experienced people. और आपने बिल्कुल honesty के साथ, integrity के साथ, एक सहजता के साथ बात करी. That is very good. So your concept is very clear. And आप ये भी बता दीजिए कि भाई अब आप election IAS में हो चुका है, कुछ basic feeling होती है कि मैं आगे जाकर के administration में अभी से जो देख पा रहा हूँ इन चीजों पे focus में specially जरूर करूँगा, वो क्या करेंगे? देखिए सपने तो बहुत हैं कि मतलब देश में कि ग्राउंड पे जाके कुछ भी टैंजिबल इनटैंजिबल चेंज लाना है, बट पर्टिकुलरली आई थिंक मेरा फोकस वुमेन एम्पावरमेंट इज समथिंग जो मेरे को बहुत ज़्यादा आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एंड अगर मैं उस फील्ड में कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी. एजुकेशन इज ऑल्सो समथिंग जो, बिकॉज एजुकेशन फंडामेंटली बाकी सब चीज़ों के लिए आपका एक बेस बनती है. तो एजुकेशन सेक्टर और वुमेन एम्पावरमेंट, दीज टू थिंग्स वुड बी माय टॉप प्रायोरिटी.
वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड मुझे उम्मीद है कि आपके जितनी अपने सहजता से ऑनेस्टी से सारी बातें शेयर की है आने वाले पेरेंट्स को अपने स्ट्रेटजी डेवलप करने में काफी काम आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्ट्रेटजी एंड सक्सेस स्टोरी इन दिस प्रोग्राम सक्सेस स्पीक्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद दिस प्रोग्राम। ऑलराइट थैंक यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।